दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अल्पायु योग की। दोस्तों, हमारी कुंडली हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान का आईना होती है। कुंडली में बैठे ग्रहों को देखकर और उनकी स्थिति का आंकलन कर यह जाना जा सकता है कि जातक अपने जीवन में क्या सुख और क्या दुख भोगेगा। कुंडली ना सिर्फ हमारे जीवन का दर्पण होती है, बल्कि हमारी मौत को भी दर्शाती है। कहने का आश्चर्य यह है कि व्यक्ति का जीवन काल कितना है, यह बात भी कुंडली के भाव देखकर जानी जा सकती है। पराशर सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के जीवन काल में तीन खंडों में विभाजित किया जाता है, अर्थात जो जीवन है वो हमारे जीवन को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है अल्पायु, दूसरा है मध्य आयु और तीसरा है दीर्घायु। जो अल्पायु है उसका मतलब होता है 0 से 30 वर्ष, मध्य आयु का मतलब होता है 31 से 60 वर्ष और दीर्घायु का मतलब है 61 से 100 वर्ष की जो जिंदगी होती है वो आपकी लास्ट वाली कहलाती है। तो आइए हम अल्पायु योग पे फोकस करते हैं। कुंडली में ये आपके सामने कुंडली है, ये आपका एसेंडेंट लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है लग्न। ये आपके त्रिक स्थान है 6th, 8th और 12th, इसको हमने ग्रे कलर से दिखाया है। बाकी जो ये आपका ऑरेंज रंग से दिख रहा है ये आपका सेंटर है, केंद्र है, और आपका जो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर जो है वो आपका त्रिकोण कहलाता है। तो स्ट्रक्चर आपका, आपको पता है स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से 12 तक मैं नंबर लिखे हैं। ये सिर्फ हाउस को बताते हैं। आपको ऐसे याद रखना है कि 1 नंबर का ये यहाँ का लॉर्ड कोई भी हो सकता है, 9 नंबर भी हो सकती है, 8 नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हम अल्पायु योग की बात कर रहे हैं। कुंडली में चंद्र अर्थात मून जब भी पाप ग्रहों के साथ होकर त्रिक स्थान पर बैठा हो, कौन से त्रिक स्थान थे, 6th, 8th और 12th, अगर यहां पे चंद्रदेव प्लस पाप ग्रहों के साथ उठकर बैठ जाए। पाप ग्रह कौन से हैं, राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, या फिर चंद्रदेव उठकर यहां पे बैठ जाए अष्टम भाव में, या फिर चंद्रदेव 12वें भाव में राहु केतु और शनि के साथ बैठ जाए, एक तो केस ये हो गया। दूसरा, अगर जो आपका लग्नेश है, आपका जो यहां पे जो भी इस घर का मालिक होगा, जो लग्नेश है, अगर उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और वह शक्तिहीन हो तो अल्पायु योग का निर्माण होता है। कहने का मतलब, लग्न के ऊपर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ 6th, 8th और 12th भाव में बैठा है तो कुंडली में आपका अल्पायु योग बनता है। जिस कुंडली में यह योग होता है, जिस इंसान की, जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है, उस व्यक्ति के जीवन पर हमेशा संकट, टेंशन मंडराती ही रहती है। उसकी आयु कम होती है, मतलब कि अगर आपके पास टेंशन होंगे, आप सोचते रहेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तो डेफिनेटली है आपकी आयु कम होती जाएगी। कुंडली में बने अल्पायु योग की निवृत्ति के लिए महामृत्युंजय की एक माला रोज जपें और बुरे कार्यों से दूर रहें, दान पूर्ण करें। महामृत्युंजय जाप या पंच श्री जाप शिव जी का कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके का जाप करके, भगवान शिव को प्रसन्न करके आप अल्पायु योग से मुक्ति पा सकते हैं, दीर्घायु योग की तरह आप अग्रसित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं कि आपको अल्पायु योग का पता लगा होगा। कुंडली आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब और साइड में जो आपके पास आइकॉन दिख रहा है बेल, उस पर प्रेस करना ना भूलें। आपको कुछ भी हमसे पूछना है, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, ज्योतिष घर के नाम से। हमारे एस्ट्रोलॉजर्स आपकी हर संभव सहायता करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।